गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सब? ध्यान रख रहे हैं ना अपना? तो देखो, कल जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने मेंडेलीव की लिमिटेशन की थी, और लिमिटेशन के बाद हमने मोजले की एटॉमिक नंबर के बेस पर होती है। उसमें क्या होता है भाई, 18 ग्रुप होते हैं, ये तुम्हें पता है सभी बच्चों को, 7 पीरियड होते हैं, है ना? 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। उसके बाद कैसे होते हैं ये 18 ग्रुप, इस तरीके से होते हैं यहाँ पर ऐसे, और फिर बीच में इस तरीके से, और फिर ये ऐसे होते हैं, ठीक है? और नीचे दो लाइन्स होती है, इस ऐसे होते हैं, एक रफ सा बना के, पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं बनाते हम। यहाँ पर क्या होता है, ये दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पर 3 से लेके 12 तक, और यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक, ठीक है? जो ये वाले होते हैं इनको ये 4F होते हैं, 4F भी बोल देते हैं, और 5F भी, और इनको 4F को क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है? और इनको क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड्स भी बोल देते हैं, या फिर एक्टेनॉइड्स भी बोलते हैं, एक्टेनॉइड्स बोल लो और एक्टेनॉइड्स भी बोला जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं भाई, एस ब्लॉक बोलते हैं, ओके, है ना? एस डी और पी ब्लॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको एस डी पी? क्योंकि जो ये वाले है, यहाँ पर जब तुम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो जो ये एलिमेंट्स है इस वाले इसमें ग्रुप में और इस ग्रुप में, इनका जो कॉन्फिगरेशन होगा, इन वाले का होगा NS1 और इनका होगा NS2, ठीक है? क्योंकि एस इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आ रहा है भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, एस के अंदर आ रहा है, तो इस वजह से एस ब्लॉक बोलते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर आता है तो वो क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, ओके? तो ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का दूसरा नाम है ट्रांजिशन मेटल्स कह लो, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके? ट्रांजिशन मेटल या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है इसका नाम। क्यों होता है इसका नाम ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन? क्योंकि एस और पी के बीच में डी एक ट्रांजिशन की तरह काम कर रहा है भाई, ओके? तो जो ये हमारे हैं ये बड़े, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी, इनमें हम ये कहेंगे कि डी कैसा होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, डी फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, ओके? तो एस और पी के बीच में ट्रांजिशन की तरह काम कर रहा है। जब हम अलग अलग से इनको पढ़ेंगे तब करेंगे इनको अच्छे से। ये लैंथेनॉइड्स हैं, लैंथेनॉइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट होता है ये 57 होता है, इसका एटॉमिक नंबर लैंथेनियम, फिर 58 से लेकर 71 तक, ठीक है? 58 यहाँ पर सेलेनियम होता है, 58 से लेकर ये लैंथेनियम से शुरू हुए हैं, तो इस वजह से लैंथेनॉइड बोलते हैं। यहाँ पर एसी आता है एक्टेनियम, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। लैंथेनॉइड लैंथेनियम से शुरू होते हैं, तो इस वजह से लैंथेनॉइड्स, एक्टेनियम से एक्टेनॉइड्स, ओके? तो इस वजह से इसको बोला जाता है पी ब्लॉक हो गया भाई। अब इनका करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन इसका क्या होता है, NS1 2 2, है ना? एस में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2, ठीक है? इस वाले ग्रुप के लिए क्या होगा, NS1 होगा, और इसके लिए क्या होगा, NS2 होगा। इनका जो कॉन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, NS, इनका कॉन्फिग्रेशन क्या होता है भाई, NS2 और NP1 2 6, ओके? इनका जो कॉन्फिग्रेशन क्या होता है भाई, NS2 NP1 2 6, ओके, ठीक है भाई, NS2 NP1 2 6। यहां पर उसके बाद देखो इनका क्या होता है, इन वाला NS1 1 भी हो सकता है, मतलब कहीं में तो 0 भी होता है, 0 to 2, और N-1 D 1 to 10,
एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस जीरो, क्योंकि जब हम यहां पर देखते हैं तो एन एस वन तो हमने कर चुके हैं, फोर एस वन थ्री डी फाइव और फोर एस वन थ्री डी टेन ऐसे भी किया था हमने। और जो इसी के नीचे है यहां पर एक एलिमेंट है आई थिंक टेक्नीशियम आता है, उसमें क्या होता है फाइव एस टू और फोर डी जीरो, फाइव एस जीरो फोर डी फाइव इस तरीके से कॉन्फिगरेशन होता है इसका, फाइव एस जीरो फोर डी फाइव, ठीक है। क्योंकि ये वाला कॉन्फिगरेशन स्टेबल करने के लिए एस का एस के दोनों इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो जाते हैं। जब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे ना, बिल्कुल डी ब्लॉक हो, सिर्फ डी ब्लॉक नाम से ही चैप्टर है, तब उसमें हम पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है। इसी तरीके से फिर जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एफ का क्या होता है भाई एन एस एन एस वन टू टू, फिर यहां पर एन माइनस वन डी जीरो या फिर वन होगा, और जो हमारा एन माइनस टू है एफ वो क्या होगा वन टू फोर डी, ठीक है एन माइनस टू। क्योंकि देखो हमने देखा भी है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर सिक्स एस आएगा, यहाँ पर फाइव डी आएगा और यहाँ पर फोर एफ, तो जो ये एफ है ये क्या होता है इससे टू लेस होता है, ओके एस एफ क्या होता है हमेशा इससे दो कम होता है। तो ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद इनमें हम ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं और ग्रुप नंबर किस तरीके से निकालते हैं और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, इसके लिए देखो सबसे पहले एस के लिए देखते हैं, जो एन होता है वो पीरियड नंबर होता है, वो हर किसी के लिए होगा, ठीक है ना, ज्यादा ऊपर हो गया पहले एन क्या होगा पीरियड नंबर, ओके एन क्या होगा यहां पर पीरियड नंबर होगा, चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे वो पी ब्लॉक हो चाहे वो डी ब्लॉक हो, उसमें क्या होता है एन पीरियड नंबर होता है। अगर एन एस वन है तो फर्स्ट ग्रुप, अगर एन एस टू है तो सेकंड ग्रुप, ओके एन क्या रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर जो रिप्रेजेंट करता है, अगर एन एस वन आता है तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड आता है तो सेकंड ग्रुप, ओके पीरियड नंबर बता दिया, ग्रुप नंबर बता दिया, और एस जो एस ऑर्बिटल में आ रहा है तो ये इस वजह से क्या हो जाता है एस ब्लॉक हो जाता है। अब आते हैं पी के ऊपर, एन तो ये चाहे वो एस कोई भी हो एन क्या होगा पीरियड नंबर होगा, लेकिन जो इसमें ग्रुप नंबर है ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं भाई हम, इसमें क्या होता है एस में जो इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी और प्लस टेन, ठीक है इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एस के अंदर और पी के अंदर कितने आए हुए हैं प्लस टेन इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या होगा टेन क्यों ऐड किया है, तो टेन इस वजह से ऐड किया है क्योंकि यहां पर बीच में टेन डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, इस वजह से टेन ऐड किया है, ओके और पी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर पी में वन आता है तो फर्स्ट ही हो जाता है पी के, फिर सेकंड इस तरीके से थर्टीन फोर्टीन ऐसे चलता रहता है। जैसे हम एग्जांपल कर रहे हैं फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वो क्या आता है भाई लास्ट में टू एस टू टू पी फाइव, ठीक है लास्ट में क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है टू एस टू टू पी फाइव, तो यहां पर ग्रुप नंबर निकालने के इसके लिए तो क्या आएगा एस में कितने हैं टू पी में कितने हैं फाइव प्लस टेन कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये सेवनटीन इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सेवनटीन ग्रुप में हो जाएगा ये, ओके पीरियड नंबर कौन सा है एन जो आगे होता है पीरियड नंबर मीन सेकंड पीरियड में है ये, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है हमारा पी ऑर्बिटल में तो पी ग्रुप हो जाता है। अब डी के लिए क्या होता है डी के लिए सिर्फ एस के अंदर इलेक्ट्रॉन और डी के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है तो डी के लिए जो ग्रुप नंबर हम निकालते हैं वो क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी, ओके
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर, उसके बाद जो पीरियड नंबर है एन होगा। जैसे हम ले लेते हैं आयरन का 26 होता है अभी, तो इसका कॉन्फिगरेशन होता है 4H2 3D6। ठीक है, 4H2 3D6। तो इसके लिए ग्रुप नंबर क्या आएगा, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 6, तो कौन क्या आ गया 8। तो आयरन है वो किस ग्रुप के अंदर है, 8th ग्रुप के अंदर है। ठीक है, ओके। इस तरीके से हम निकाल लेंगे जो लैंथेनोइड और एक्टेनोइड है एफ ग्रुप, उनके लिए ग्रुप नंबर क्या होता है, हमेशा 3 होता है। ठीक है, लैंथेनोइड और एक्टेनोइड के लिए ग्रुप नंबर क्या होता है भाई, हमेशा 3 ग्रुप होगा यहाँ पर होते हैं, और पीरियड नंबर क्या होगा, एन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे ये है, अगर 4F आता है तो 6 होगा, अगर 5F आता है तो 7, मतलब 6 और 7 दो ही पीरियड में है एफ ग्रुप और बाकी कहीं है। ठीक है, 6 और 7 नीचे वाले दो में ही है और किसी में नहीं है। ओके, और एफ में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एफ ग्रुप हो जाता है। तो ये हमने किया था भाई जनरल, इनका सभी सब पीरियोडिक टेबल को हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि ग्रुप नंबर क्या होते हैं, पीरियड नंबर क्या होते हैं, और ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, एस क्या होता है, पी क्या होता है, ये हमने इसके कर लिए हैं सारे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है भाई, अच्छा इसमें एक पैर रह गया है हमारा, जो एफ ब्लॉक है हमारा, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मैटर। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन मैटर, तो ये हो गई, ये क्या है ट्रांजिशन मैटर के अंदर है ना, यहाँ पर लैंथेनोइड और फिर यहाँ पर 72 आ जाता है, तो ये बीच में जो आते हैं एफ ब्लॉक है, तो ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर है, तो इस वजह से क्या बोला जाता है इनको, इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। ओके, अब भाई हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया है हमारा, और एस ग्रुप पी ग्रुप ये हमने कर लिया। उसके बाद हम करते हैं, अच्छा जो पेरियोडिक टेबल है उसमें एक डार्क लाइन गिवन होती है भाई, इस तरीके से जो पेरियोडिक टेबल होती है यहाँ पर ऐसे, उसमें एक ऐसी लाइन होती है, उस लाइन में इस तरफ वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल, और इस तरफ वाले क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और जो यहाँ और यहाँ पे होते हैं वो क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को बिल्कुल अच्छे से तुम मेरे ख्याल से 3 से 4 क्लासेस में पढ़ चुके हो, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंस भी कर चुके हो मेटलॉइड। ठीक है, ये सारी की सारी बेसिक चीजें थी छोटे बच्चों के लिए होती है, इतना हमें पता ही है। अब हम करते हैं भाई ट्रेंड ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टी। अब ये है, हमने ये अरेंज तो कर लिया है एलिमेंट्स को पेरियोडिक टेबल के अंदर, हमने अरेंज कर लिया है कि हाँ इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पर हम अरेंज करते हैं। लेकिन अब उनकी जो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो किस तरीके से वैरी करती हैं, डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो हम उन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई पेरियोडिक ट्रेंड, पेरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे उनके अंदर जो पेरियोडिक ट्रेंड है, प्रॉपर्टीज का जो पेरियोडिक ट्रेंड है वो क्या होगा। ट्रेंड का मतलब क्या है कि जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे या फिर अप टू बॉटम जाएंगे तो उनका क्या ट्रेंड होगा, मतलब वो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, हमें वो पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमें ट्रेंड पढ़ना है वो है रेडियस का। ठीक है, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है रेडियस का। अब रेडियस क्या होती है भाई, डिफरेंट टाइप रेडियस होती है, रेडियस हम 2 से 3 तरह की करेंगे। एक हम करेंगे, फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस,
सेकंड जो है हमारी वो है मेंटली थ्री डेज, थर्ड है हमारी कोवेलेंट रेडियस, फोर्थ है हमारी वंडरवाल रेडियस, और फिफ्थ है हमारी आर्मिक रेडियस। अब ये आगे पीछे हो सकते हैं, कहीं घूमने की कोई सी पहले नंबर पे दे ध्यान, वो कोई मैटर नहीं करता, इसमें सभी को पढ़ना है। ओके हमें समझ में आना चाहिए, वन नंबर से कोई मैटर नहीं करता, ये पहले पढ़ गए बाद में पढ़ गए ऐसे कुछ नहीं, कोई नहीं। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, मतलब रेडियस अगर हम हमसे कोई जनरली पूछता है कि रेडियस होती क्या है, तो हम क्या डिफाइन करते हैं कि सेंटर से लेके उसका आउटर मोस्ट तक का डिस्टेंस है ना, सेंटर से लेके जो उसकी सर्कमफेरेंस होती है वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी भाई, एटॉमिक रेडियस होगी डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इट इज डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस या फ्रॉम सेंटर कह लो या फिर बिटवीन कह लो, फ्रॉम ही कह लेते हैं हम, फ्रॉम न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू दी आउटर मोस्ट सेल इन विच इलेक्ट्रॉन फील्ड। समझ रहे हो भाई क्या होती है ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन फील किया जाता है, कैसे, ये है अब न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल होगी, ये सेकंड सेल, इस तरीके से थर्ड सेल, ऐसे सेल होती हैं के सेल, एल सेल, एम सेल, इस तरीके से हम कर चुके हैं, के एल एम एल, ऐसे सेल है। इसमें क्या होता है, अब जो हाइड्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सेल तो इसमें है, अब सेल तो कहीं नहीं जाती, सेल तो हाइड्रोजन में भी है सारी की सारी, के सेल भी है, एल सेल भी है, एम प्रेजेंट है, सेल तो प्रेजेंट है लेकिन वो वैकेंट है। ओके तो हम यहाँ पर अगर हमें हाइड्रोजन के लिए देखना हो तो यहीं तक लेंगे ना कि आउटर मोस्ट, तो इसी वजह से मैंने क्या कहा है कि आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन फील किया जाता है वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भाई, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है मेटलिक रेडियस में क्या होता है, इट इज डिस्टेंस ऑफ कर्नल, कर्नल क्या होते हैं, जो मेटल होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो जो इसके इसके लिए जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होगी, मेटलिक रेडियस होगी। उसके बाद जो कोवेलेंट रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, इस तरीके से बॉन्ड बनता है शेयरिंग, ये तुमने टेंथ क्लास में किया होगा, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम एक अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन जब उनके बीच में शेयरिंग होती है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कैसे होता है ये, इस तरीके से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस तरीके से दोनों के बीच में शेयर होता है, तो इसकी रेडियस यहां से लेके इसकी ये सेंटर होगा, ठीक है, इसके लिए न्यूक्लियस है, इसके लिए न्यूक्लियस है। ओके तो ये यहां से लेकर जो ये डिस्टेंस है इसका हाफ, ठीक है, तो हमारी जो डेफिनेशन वो क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई यहाँ, सॉरी यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हाफ ऑफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड न्यूक्लियाई, जो ये न्यूक्लियाई है कैसी है, कोवेलेंट बॉन्डेड, ठीक है, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड न्यूक्लियाई। वंडरवाल रेडियस क्या होती है, वंडरवाल कोई बॉन्ड नहीं होता, वंडरवाल क्या होता है, फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन होते हैं, जो वंडरवाल है वो क्या होते हैं, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मतलब रिपल्शन। अब भाई एक मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन वो
अगर यहाँ तक वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले, लेकिन और ज्यादा पास आएंगे तो उनमें रिपल्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसके अंदर भी, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगी, रिपल्शन। तो जो ये मिनिमम अट्रैक्शन होगी, जो ये मैक्सिमम अट्रैक्शन, जहां पर इनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी, यहां पर है अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है वो बड़ा डिस्टेंस लेंगे हम। तो इसके लिए देखते हैं हम, एक मोलिक्यूल ये हो जाता है, दूसरा मोलिक्यूल ये हो जाता है। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी मैक्सिमम अट्रैक्शन है यहां पर और ये मिनिमम डिस्टेंस है। अट्रैक्शन मैक्सिमम है बट जो डिस्टेंस है वो क्या है, मिनिमम है। अब अगर डिस्टेंस बताना हो तो कंप्लीट ले रहे हैं, लेकिन हमें क्या बतानी है, रेडियस बतानी है, तो वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू वैन डर वाल मॉलिक्यूल एट विच अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, जहां पर क्या होती है अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, ठीक है, जहां पर अट्रैक्शन मैक्सिमम हो उस डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाएगा, वैन डर वाल रेडियस हो जाएगी। आयनिक रेडियस क्या होती है भाई, अब एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, कैटायन क्या कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एनायन कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज डेफिनेशन है, सिर्फ यहां पर एटम की जगह क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा, ठीक है, एटम की जगह यहां पर क्या आ जाता है, आयन आ जाता है। मान लो जैसे ये है भाई, हाइड्रोजन वाला किया था हमने इस तरीके से है। अब मान लो दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दूसरा थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, तो हम रेडियस कहां तक की, ये बड़ा डिस्टेंस लेंगे, आउटर मोस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा। लेकिन अगर वो मान लो कि यहां पर है, पहले तीन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, लॉस करने के बाद फिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां तक है, यहां तक है, तो इस वजह से ये डिस्टेंस। ओके, अब अगर अरेंज करना हो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा रेडियस ये होती है, क्योंकि इसमें तो टच ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा रेडियस ये होती है, फिर एटॉमिक रेडियस होती है, और फिर हमारी मेटलिक रेडियस होती है, सबसे पहले वैन डर वाल रेडियस, फिर आती है एटॉमिक रेडियस, फिर उसके बाद मेटलिक रेडियस, और फिर उसके बाद आती है लास्ट में कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि कोवेलेंट में ये डिस्टेंस देखो यहां पर शेयरिंग इतना डिस्टेंस को वैसे ही चला जाता है। ओके, तो आज इतना ही करते हैं भाई, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।